हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 13 नवंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आज के क्वेश्चंस देखते हैं, फिर चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो आया है ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में। आपको ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों में से बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट है वो सही है। ऑप्शंस देखो ये हैं कि ए बी बी सी और ए बी सी और ए बी सी में से कुछ इस तरीके से ऑप्शन हैं। तो बेसिकली आपको स्टेटमेंट के आधार पे ऑप्शन है वो आंसर है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट ये है कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और एक बदलते पर्यावरण के उत्पन्न होने वाले अवरोधों का अनुकूलन में सहायता देता है ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि विकासशील देशों से वित्त पोषण के लिए यूनिसेफ की वित्तीय व्यवस्था के तहत 2010 में जीसीएफ की स्थापना है वो की गई थी। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट चेंज हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, बेसिकली आपको पता है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट चेंज, उसमें बेसिकली इसको ज्यादा फोकस है वो किया गया था, मतलब उसके सेंटर में ग्रीन क्लाइमेट फंड को रखा गया था। तो तीनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आया है नाक के बारे में, NAAC के बारे में। तो आपके सामने स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना कि कौन सा इसका उद्देश्य है, मिशन है वो नहीं है। पहला स्टेटमेंट ये है कि उच्च शिक्षा के संस्थानों या विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रम और परियोजनाओं में आवधिक मूल्यांकन और मान्यता की व्यवस्था करना। दूसरा है कि भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक छात्रों के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की शोध गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक वातावरण को प्रमोट करना। चौथा स्टेटमेंट यह है कि उच्च शिक्षा में स्वयं मूल्यांकन, जवाबदेही और स्वायत्तता और नवाचार को प्रमोट करना। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो मोटो है वो नाक का नहीं है। तो देखो, हमने नाक के बारे में डिस्कस भी किया है, तो एक बार इसका आंसर है वो देख लेते हैं। बेसिकली इसका आंसर है वो यहाँ पे बी है, कि बी इसका ऑप्शन है वो गलत हो जाता है और यहाँ पे गलत ही में पूछा गया है। अब देखो, नाक की बात करें मतलब नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, बेसिकली UGC है, उसको शिफ्ट करके और उसकी जगह बेसिकली नाक की बात है वो यहाँ पे की जा रही है। बेसिकली UGC के तहत इसको स्थापित और सॉरी किया गया था, जो जिसका काम क्या है। देखो, नाक का बेसिकली काम यह है कि हमारे देश में जो इंस्टीट्यूट है हायर एजुकेशन के, चाहे फिर CBSE के तहत जो स्कूल वगैरह हो, उनको बेसिकली मान्यता देने का काम है, उसमें असेसमेंट वगैरह करना हो, उनकी क्वालिटी वगैरह, वो सारा काम नाक के द्वारा ही किया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना कि स्वायत्त एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। बेसिकली हम बात करें तो 1986 में जो भी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस टाइम पे, उसके तहत इसका निर्माण है वो किया गया था, ताकि हमारे देश में हायर एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इंश्योर है वो किया जा सके। अब हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, एक तो क्वालिटी को मूल्यांकन, क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, रोजगार के लिए बेसिकली गुणवत्ता है, क्वालिटी और आप बोल सकते हो क्वान्टिटी दोनों को इम्प्रूव करने की बात यहाँ पे की गई है। वो देखो, आजकल नाक के बारे में काफी बातें चल रही थी, क्योंकि आपको पता है कि UGC को शिफ्ट करके नई बॉडी बनाने की बात चल रही थी, तो इसीलिए न्यूज में भी था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली है RM लोधा कमेटी के बारे में। तो जस्टिस RM लोधा कमेटी काफी पॉपुलर थी, तो इसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला ये है कि यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI और क्रिकेट प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी के लिए नियुक्त है वो किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि कार्यकारिणी को बदलने के लिए अपेक्स काउंसिल के गठन की सिफारिश BCCI ने अस्वीकार है वो कर दी थी। जिसमें से आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। देखो, हम बात करें BCCI के बारे में यहाँ पे, तो जो लोधा कमेटी आई थी वो आपको बताया कि BCCI में जब IPL में धांधलीबाजी हुई थी उसके बाद बेसिकली कमेटी आई थी, और इसका मेन मोटो ये था कि BCCI को रेगुलेट करना, और इसी के लिए देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाता है, नो डाउट। अब बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, तो देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सिफारिश BCCI ने अस्वीकार कर दी थी। देखो यहाँ पे गलत है, क्योंकि कुछ सिफारिशें थी वो BCCI ने अस्वीकार की थी, कुछ सिफारिशें BCCI ने मान ली थी, एक्सेप्ट कर ली थी, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है और फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है वो होगा। अब चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो आर्टिकल आया वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, इसके बारे में कल हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। देखो कंटेक्स्ट अभी यह है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने $13 बिलियन है वो बेसिकली लोन देने की बात की है, किसको, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड को। किस लिए, ताकि भारत में एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट है वो किया जा सके। तो ये बेसिकली कंटेक्स्ट है। तो हम यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानेंगे और EESL यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड क्या है इसके बारे में भी यहाँ पे जानेंगे। देखो बेसिकली आप इसके बारे में थोड़ा हम बैकग्राउंड में जाते हैं। पहले देखो, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF है, उसने बेसिकली ये प्रावधान किया था कि 200 मिलियन जो US डॉलर है वो बेसिकली अप्रोक्सीमेट दिए जाएंगे, किस लिए,
ऑल ओवर वर्ल्ड में एनर्जी एफिशिएंसी सेक्टर को दिए जाएंगे ताकि एनर्जी की एफिशिएंसी उसको इम्प्रूव किया जा सके और अच्छी क्वालिटी की एनर्जी है उसको इन एक तरीके से मतलब मार्केट में रखा जा सके, प्रोजेक्ट को फोकस है वो किया जाएगा। तो बेसिकली तो 200 मिलियन यूएस डॉलर का जो फंड था वो बेसिकली एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ही दिया जाना है। बट ये आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है उसके पार्ट के तौर पे दिया जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के तहत ही बातें की गई थी और जो फंड है वो दिया गया है एडीबी के द्वारा, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो इस पैसे का यूज क्या होगा, जो भी ये पैसा दिया जा रहा है इंडिया को 13 बिलियन US डॉलर, इसका यूज बेसिकली होगा कि नई टेक्नोलॉजी है उस पर फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही नई एफिशिएंसी मोटर्स वगैरह हैं, एयर कंडीशन हैं, स्मार्ट मीटर्स हैं, ग्रिड्स वगैरह हैं और नए बिजनेस मॉडल्स हैं, नए प्रोजेक्ट हैं उनको स्थापित किया जाएगा ताकि अच्छी एनर्जी को यूज है वो किया जा सके। देखो आपको पता है कि पहले टाइम पे हम नॉर्मल बल्ब यूज करते थे तो 100 वाट का 60 वाट का था नॉर्मल बल्ब, जिसमें आपको पता है कि एक फिलामेंट होता था और वो जलता था जो कि एनर्जी काफी ज्यादा कंज्यूम करता था। इसके बाद में CFL आई और आज के टाइम पे LED आ गई है, तो LED का आपको पता है कि एनर्जी बहुत कम ही कंज्यूम है वो करती है और इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है, तो इसलिए एनर्जी को सिक्योर करना और एनर्जी को बचाना काफी अहम होता है और उसके लिए बेसिकली सभी गवर्नमेंट है नए नए स्टेप है वो उठा रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। देखो बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, इसका मेन फोकस एशिया पे रहता है। बट ये ध्यान रखना कि ओनली एशियन कंट्रीज के मेंबर नहीं है, एशिया के बाहर भी बेसिकली काम है वो करता है। काम क्या है इसका, इसका काम यही है कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एशिया और पैसिफिक वाले एरिया में उसको सुनिश्चित करना और उसको मतलब प्रमोट है वो करना। इसके साथ ही गरीबी पे भी इसका अहम ध्यान है वो रहता है। बेसिकली इसको 1966 में दिसंबर में इसको बनाया गया था। अहम बात क्या है कि इसका हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस के मनीला में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक, आपको खैर मैं बता देता हूँ कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक था वो बेसिकली ब्रिक्स कंट्रीज का बैंक है, तो वो आपको ध्यान रखना है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। देखो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चन आपसे प्लीज पूछे जाते हैं इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करवाएं, इससे आपका रिविजन होगा और आपकी जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। इसके साथ ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में काफी हेल्प है वो मिलने वाली है, क्योंकि इससे आपका रिवीजन साथ साथ होता है वो रहेगा। अब हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसकी 67 कंट्रीज है वो मेंबर है, जिसमें से 48 कंट्री तो एशिया की है और पैसिफिक वाले एरिया की है। इसके साथ ही 19 कंट्री है वो यूरोप की और यूएसए जैसी कंट्रीज है वो है, तो ये आपको ध्यान रखना कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो कहाँ का है, अकेले एशिया की कंट्री जिसके मेंबर वगैरह नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है इंस्पायर 2018 के बारे में। इंस्पायर का मतलब क्या है, इंस्पायर का मतलब है इंटरनेशनल सिंपोजियम टू प्रमोट इनोवेशन एंड रिसर्च इन एनर्जी एफिशिएंसी। देखो इंस्पायर का जो सेकंड एडिशन है वो अभी दिल्ली में लॉन्च है, दिल्ली में इसको इनोग्रेट है वो किया गया है, ये बेसिकली कंटेक्स्ट आया है। तो हम बात करें कि इंस्पायर का जो ये सेकंड एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, जिसके बारे में अभी हम यहाँ पे डिस्कस भी करने वाले हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंस्पायर 2018 का जो एडिशन है वो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड प्लस वर्ल्ड बैंक की हेल्प से, यहाँ पे यूपीएससी कंफ्यूज कर सकती है कि नीति आयोग और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक प्लस एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं भाई ये वर्ल्ड बैंक की हेल्प से काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। अब देखो बेसिकली इसमें 3 दिन का सिंपोजियम भी होने वाला है, जिसमें किस चीज़ पे फोकस किया जाएगा, ग्रिड मैनेजमेंट पे, ई मोबिलिटी पे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे फोकस किया जाएगा और टेक्नोलॉजी फॉर एनर्जी एफिशिएंसी पे फोकस है वो किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है इंस्पायर 2018 के बारे में। इसके साथ ही इसमें एक हैशटैग इनोवेट टू इंस्पायर चैलेंज है उसको फोकस किया गया, एक तरह का इसमें अवार्ड है वो दिया जाएगा किसको, उस पर्सन को या उस कंपनी को जिसने भाई एनर्जी एफिशिएंसी के लिए बहुत अच्छा काम किया हो उसको बेसिकली इसके लिए अवार्ड है वो यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि इंस्पायर 2018 है क्या, मतलब एक तरीके का इंटरनेशनल सिंपोजियम है किसके लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, इनोवेशन और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। इनोवेशन का मतलब नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी लेके आना, नवाचार लाना और रिसर्च को आपको बताइए, तो इन सबको एनर्जी एफिशिएंसी के एरिया में इंप्रूव करने के लिए बेसिकली लाया गया है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आगे हम यहाँ पे देखते हैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के बारे में, EESL काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो सारे फैक्ट इसके ध्यान में हमें रखने हैं। देखो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है वो बेसिकली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत है वो बनाई गई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका काम क्या है, हमारे देश में एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट है उनको इम्प्लीमेंट करती है। इसके अलावा इसने इंडिया के बाहर भी एक कंट्री है जहाँ पे इसने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट है वो किया है, उस कंट्री का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। LED लाइट वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है वो की गई है।
देखो दूसरे इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट यह है कि कौन कौन सी क्रिकेट ज्वाइंट वेंचर है। एनटीपीसी लिमिटेड, इसके साथ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और पावर ग्रिड है, इन सबका मिला के एक ज्वाइंट वेंचर है। मतलब इन सब ने मिला के बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड को बनाया है, जो कि कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर है वो की गई है। काम क्या है इसका, हमारे देश में एनर्जी एफिशिएंसी के जो प्रोजेक्ट हैं उनको फोकस करती है, उनको फंड वगैरह देना हो, उनको किस तरीके से उनकी नई टेक्नोलॉजी लानी हो, वो सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। इसके साथ ही अहम बात करके हमारे देश में जो नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी आया था उसमें लीड रोल इसी के द्वारा किया गया था और वही इसको इम्प्लीमेंट है वो करने वाली है। अब अहम बात और इसके बारे में हम जाने कि जो स्टेट के डिस्कॉम होते हैं इनकी कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए भी एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड है वो कदम बढ़ाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनर्जी एफिशिएंसी पोर्टफोलियो है इंडिया में, जिसने आपको पता है ऑल ओवर में सबसे ज्यादा बड़ा जो प्रोग्राम था स्टेट लाइट का, जिसका नाम है स्टेट लाइट नेशनल प्रोग्राम, जिसमें जो स्ट्रीट लाइट हैं देशों की हर गली की उनको बेसिकली एलईडी लाइट से कन्वर्ट है वो करने की बात की गई थी और इस पर काफी अच्छा फोकस भी किया गया था। तो जो स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा ही किया गया था, तो ये फैक्ट हमें ध्यान में यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है नेशनल एजुकेशन डे के बारे में। देखो हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे है वो बेसिकली एक तरीके से मनाया है, वो सेलिब्रेट है, वो किया जाता है। अब हम बात करें 11 नवंबर को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। देखो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हैं, वो आपको बता दूं कि इंडिया का जब आजाद हुआ था 1947 में तो उसके बाद इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो HRD MHRD जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा 2008 में नेशनल एजुकेशन डे है वो 11 नवंबर को स्टार्ट है वो किया गया था, तो ये हमें फैक्ट में ध्यान में रखना है। अब अहम बात करें कि हमारे देश में जो IIT बनेगी है और जो IIM बनेगी और जो UGC बनाया गया है वो सब बेसिकली मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की देन है। अब हम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो कि हमारे लिए हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है वो हो जाते हैं। तो सबसे अहम फैक्ट तो देखो यही है कि सीनियर मुस्लिम लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जब भारत की आज़ादी मूवमेंट है वो चल रही थी उस दौरान। इसके साथ ही इन्होंने इनका इम्पोर्टेंट रोल किसमें था, जामिया मिलिया जो इस्लामिया अलीगढ़ की जो यूनिवर्सिटी थी उत्तर प्रदेश में उसके फाउंडेशन में इनका अहम रोल है वो था। इसके साथ ही अहम बात करें कि इन्होंने जो अलीगढ़ जो कैंपस था इसको बेसिकली दिल्ली में भी शिफ्ट हो गया था 1934 में, इसमें भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था। और जो खिलाफत मूवमेंट था उसमें भी ये लीडर के तौर पर रहते और एक तरीके से जर्नलिस्ट के तौर पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम है वो किया था। इसके साथ ही इन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें भी अपना सपोर्ट है वो दिया, और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें भी इनका काफ़ी अहम रोल है वो रहा था। और 1919 का जो रोलेट एक्ट था जिसको आपको बताया कि भारत में जलियांवाला बाग के बाद में इम्प्लीमेंट किया गया था, तो उसके साथ भी उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट है वो रहा था भारत के आंदोलनों में। इसके साथ ही अहम बात यह है कि ये इंडिया के यंगेस्ट पर्सन थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर काम है वो किया था। तो अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पे कब काम किया था, कौन से ईयर में काम किया था और वो सेशन कहाँ हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ ही जो धराशन सत्याग्रह था 1931 में जब गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी उसके बाद बेसिकली आया था, तो उसमें भी इनका अहम रोल है वो रहा था, एक तरीके से ऑर्गेनाइज के तौर पर इन्होंने काम है वो किया था। अब अहम बात करें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है इनका कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे 1940 से लेकर 1945 के टाइम पे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इस दौरान बेसिकली जो क्विट इंडिया मूवमेंट आया था तो वो भी इनके द्वारा लॉन्च है वो किया गया था। और अहम फैक्ट एक ही है जिसको हम आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काफी अच्छा काम है वो किया था और इनके द्वारा एक न्यूज़पेपर भी लाया गया था जिसका नाम है अल हिलाल न्यूज़पेपर। तो UPSC एक तो न्यूज़पेपर को मैच द फॉलोइंग में पूछ सकती है, तो हमें ध्यान में रखना है कि अल हिलाल न्यूज़पेपर है वो किससे रिलेटेड है। तो ये थी बेसिकली हमारी जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी वो। अब हम आगे एक फैक्ट और है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। देखो रिसेंटली लद्दाख आर्ट एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन LAMO को बेसिकली यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए दिया गया है। क्यों दिया गया है वो हम देखते हैं। पहले तो हम लेमो के बारे में जानते हैं, LAMO है क्या। देखो लद्दाख आर्ट एंड जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली एक तरीके का म्यूजियम है जो कि लद्दाख में स्थित है और एक तरीके का ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, UPSC पूछ सकती है कि कोई NGO है या फिर किसी गवर्नमेंट वगैरह के तहत वगैरह, तो हमें ध्यान में रखना है कि भाई ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। कहाँ पे है, लद्दाख रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो बेसिकली देखो हुआ क्या था,
इसको 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था और इसके अंदर काफी जो आर्ट्स हैं, हिस्टोरिक आर्ट हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। तो देखो ये काफी ज्यादा, इसके आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में टेरर अटैक वगैरह होते रहते हैं, तो एक तरीके से खत्म सा हो गया था, तो इसको वापस से रिनोवेट है वो किया गया था। और इस रिनोवेशन के लिए इसको एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि दोबारा से रिस्टोर किया गया है, इसी के लिए यूनेस्को का एशिया पेसिफिक अवार्ड है वो इसको दिया गया है। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। अब यूनेस्को का जो एशिया पेसिफिक अवार्ड है कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए, ये बेसिकली 2002 में लाया गया था। किस लिए? इसका मेन मोटो ये है कि प्राइवेट इंडिविजुअल और जो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है या फिर कोई कंपनी हो सकती है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, उसको बेसिकली अवार्ड दिया जाता है जिसने कोई भी जो स्ट्रक्चर है काफी इंपॉर्टेंट है हेरिटेज वैल्यू की देश में, उसको कंजर्व करने के लिए फोकस है वो किया है, तो उसके लिए बेसिकली अभी लेमो को अवार्ड है वो दिया गया। तो यूपीएससी पूछ सकती है रिसेंटली किसको अवार्ड में मिला है, सुर्खियों में है, तो हमें पता होना चाहिए। इसके साथ ही अहम बात यह है कि जो लेमो है इसको पीपीपी पार्टनरशिप के तहत कंप्लीट है वो किया गया है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको कंप्लीट है, इसका जो रिस्टोरेशन है वो कंप्लीट किया गया है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।